नमस्कार, मैं सारिका पंकज। कहानियों के क्रम में आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ यशपाल जैन की लिखी राजकुमार की प्रतिज्ञा। पुराने जमाने की बात है, एक राजा था, उसके 7 लड़के थे। 6 का विवाह हो गया था, 7वां अभी कुंवारा था। एक दिन वो महल में बैठा था कि उसे बड़े जोर की प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा तो सामने से उसकी छोटी भाभी आती हुई दिखाई दी। उसने कहा, भाभी मुझे एक गिलास पानी दे दो। महल में इतने नौकर चाकर होते हुए भी सबसे छोटे राजकुमार की यह हिम्मत कैसे हुई? भाभी मन ही मन खींच उठी। उन्होंने व्यंग भरे स्वर में कहा, तुम्हारा इतना ऊंचा दिमाग है तो जाओ, रानी पद्मिनी को ले आओ। राजकुमार ने यह सुना तो उसका पारा एकदम से चढ़ गया। बोला, जब तक मैं रानी पद्मिनी को लेकर नहीं आऊंगा, इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बात छोटी सी थी लेकिन उसने उग्र रूप धारण कर लिया। रानी पद्मिनी काले कोसों दूर रहती थी। वहां पहुंचना आसान न था, रास्ता बड़ा दूभर था। जंगल, पहाड़, नदी, नाले, समुद्र, जाने क्या क्या रास्ते में पड़ते थे। किंतु राजकुमार तो संकल्प कर चुका था और वो पत्थर की लकीर के समान था। उसने तत्काल वजीर के लड़के को बुलवाया और उसे सारी बात सुनाकर 2 घोड़े तैयार करवाने को कहा। वजीर के लड़के ने बार बार समझाया कि रानी पद्मिनी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर राजकुमार अपनी हट पर अड़ा रहा। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना रानी पद्मिनी के मैं इस महल में पैर नहीं रखूंगा। 2 घोड़े तैयार किए गए। रास्ते के खाने पीने के लिए सामान की व्यवस्था भी की गई और राजकुमार तथा वजीर का लड़का रानी पद्मिनी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि रानी पद्मिनी सिंघल द्वीप में रहती हैं, जहां पहुंचने के लिए सागर पार करना होता है। फिर रानी का महल चारों ओर से राक्षसों से घिरा है। उनकी किलेबंदी को तोड़ महल में प्रवेश करना असंभव है। वजीर के लड़के ने एक बार फिर राजकुमार को समझाया कि वो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दें, अपनी जान को जोखिम में न डालें। किंतु राजकुमार ने कहा, तीर एक बार तरकश से छूट जाता है तो वापस नहीं आता, मैं तो अपने वचन को पूरा करके ही रहूंगा। वजीर का लड़का चुप रह गया। दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गए। दोपहर को उन्होंने एक अमराई में डेरा डाला, खाना खाया, थोड़ी देर आराम भी किया, उसके बाद आगे बढ़ गए। चलते चलते दिन ढलने लगा, गोधूली की बेला आई। इसी समय उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। राजकुमार ने कहा, आज की रात इस बाग में बिताकर कल तड़के सुबह आगे चल पड़ेंगे। बाग का फाटक खुला था और वहां कोई चौकीदार या रक्षक नहीं था। वजीर के लड़के ने उधर निगाह डालकर कहा, मुझे तो यहाँ कोई खतरा दिखाई देता है, हम लोग यहाँ न रुककर आगे और कहीं रुकेंगे? राजकुमार हंस पड़ा, बोला, बड़े डरपोक हो तुम, यहाँ क्या खतरा हो सकता है, देखते नहीं कितना हरा भरा सुंदर बाग है। वजीर के लड़के ने कहा, आप माने न माने, मुझे तो लग रहा है यहाँ कोई भेद छिपा है। राजकुमार ने उसकी एक न सुनी और अपने घोड़े को फाटक के अंदर बढ़ा दिया। बेचारा वजीर का लड़का भी उसके पीछे पीछे बाग में घुस गया। ज्यों ही वह अंदर पहुंचे, बाग का फाटक अपने आप बंद हो गया। राजकुमार और वजीर के लड़के को काटो तो खून नहीं, ये क्या हो गया? वजीर के लड़के ने राजकुमार से कहा, मैंने आपसे कहा था ना यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं, पर आप नहीं माने, उसका नतीजा देख लिया। राजकुमार ने कहा, वो सब छोड़ो, अब ये सोचो कि हम क्या करें। वजीर का लड़का बोला, अब तो एक ही रास्ता है कि हम घोड़ों को यहीं पेड़ों से बांध दें और किसी घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाएं, देखें आगे क्या होता है। दोनों ने यही किया। घोड़े पेड़ से बांधकर वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और चुपचाप बैठ गए। अंधकार फैल गया, सन्नाटा छा गया, राजकुमार को नींद आने लगी। तभी उन्होंने देखा कि हवा में उड़ता कोई चला आ रहा है। दोनों कांप उठे। हवा का वेग रुकते ही वो आकृति नीचे उतरी। उसकी शक्ल देखते दोनों को लगा कि वो पेड़ से नीचे गिर पड़ेंगे। वो एक परी थी। उसने नीचे खड़े होकर अपने इर्द गिर्द देखा, तभी इधर उधर से कई परियां आ गईं। उनके हाथों में पानी से भरे बर्तन थे। उन्होंने वहां छिड़काव किया, वो पानी नहीं गुलाब जल था।
उसकी खुशबू से सारा बाग महक उठा। अब तो उन दोनों की नींद उड़ गई और वे आंखें गड़ा कर देखने लगे कि आगे वो क्या करती हैं। हवा में उड़ती एक परी आ रही थी। उसी समय कुछ परियां और आ गईं। उनके हाथों में कीमती कालीन थे। देखते देखते उन्होंने वो कालीन बिछा दिए। फिर जाने क्या किया कि वह सारा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। अब तो इन दोनों के प्राण मुंह को आ गए। उस रोशनी में कोई भी उन्हें देख सकता था। उस जगमगाहट में उन्हें दिखाई दिया कि एक ओर से दूध जैसे फब्बारे चले आ रहे हैं। पेड़ों की हरियाली अब बड़ी ही मोहक लगने लगी। जब वे दोनों असमंजस में डूबे उस दृश्यावली को देख रहे थे, आसमान से कुछ परियां एक रत्न जड़ित सिंहासन लेकर उतरी और उन्होंने उस सिंहासन को एक बहुत ही कीमती कालीन पर रख दिया। सारी परियां मिलकर एक पंक्ति में खड़ी हो गईं। राजकुमार ने अपनी आंखें मली। कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा था? वजीर का लड़का बार बार अपने को धिक्कार रहा था कि उसने राजकुमार की बात क्यों मानी, पर अब क्या हो सकता था। आसमान में गड़गड़ाहट हुई। दोनों ने ऊपर को देखा तो एक उड़न खटोला उड़ा आ रहा था। ये क्या? राजकुमार फुसफुसाया। वजीर के लड़के ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुपचाप बैठे रहने का संकेत किया। उड़न खटोला धीरे धीरे नीचे उतरा और उसमें से सजी धजी एक परी बाहर आई। वो उन परियों की मुखिया थी। सारी परियों ने मिलकर उसका अभिवादन किया और बड़े आदर भाव से उसे सिंहासन पर आसीन कर दिया। थोड़ी देर खामोशी छाई रही, फिर मुखिया ने ताली बजाई। एक परी आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। मुखिया ने बड़ी शालीनता से कहा, जाओ उसको लाओ। जो आज्ञा, कहकर वो परी वहां से चल पड़ी और उसी ओर आने लगी जहां पेड़ पर राजकुमार और वजीर का लड़का बैठे थे। दोनों की तो जैसे जान सूख गई। वे अपने भाग्य में क्या लिखा कर आए थे कि ऐसे संकट में फंस गए। परी उसी पेड़ के नीचे आई और राजकुमार की ओर इशारा करके कहा, नीचे उतरो, हमारी राजकुमारी ने तुम्हें याद किया है। राजकुमार हिचकिचाया। उसकी हिचकिचाहट देखकर परी ने कहा, जल्दी उतर आओ, हमारी राजकुमारी आपकी राह देख रही हैं। कोई चारा नहीं था। राजकुमार नीचे उतरा और परी के साथ हो लिया। दोनों राजकुमारी के पास पहुंचे। राजकुमारी ने सरक कर सिंहासन पर जगह कर दी और कहा, आओ यहाँ बैठ जाओ। राजकुमार ने उसकी बात सुनी, पर उसकी बैठने की हिम्मत न हुई। राजकुमारी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तुम कौन हो? राजकुमार ने धीरे से कहा, मैं राजगढ़ का राजा का बेटा हूँ। तो तुम राजकुमार हो? परी ने मुस्कुराकर कहा। राजकुमार चुपचाप खड़ा रहा। राजकुमारी ने कहा, देखो यहाँ से कोसों दूर हमारा राज है, मैं वहाँ की राजकुमारी हूँ। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि कोई राजकुमार यहाँ आए, आज तुम आ गए। इतना कहकर राजकुमारी राजकुमार की ओर एक टक देखने लगी। राजकुमार को लगा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ेगा, पर उसने अपने आप को संभाला। राजकुमारी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। बड़े मधुर शब्दों में बोली, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार पर मानो बिजली गिरी। उसने कहा, यह नहीं हो सकता। क्यों? राजकुमारी ने थोड़ा कठोर होकर पूछा। इसलिए कि, राजकुमार ने कहा, मैं रानी पद्मिनी की तलाश में निकला हूँ। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वो नहीं मिल जाएंगी, मैं अपने महल का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। ओह, ये बात है? राजकुमारी ने बड़ी तरल स्वर में कहा, मैं नहीं चाहूँगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ो। प्रतिज्ञा बड़ी पवित्र होती है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगी, पर एक शर्त पर। राजकुमार ने कहा, वो शर्त क्या है? राजकुमारी बोली, पद्मिनी को लेकर तुम यहाँ आओगे और मेरे साथ शादी करके अपने राज्य को जाओगे। राजकुमार ने कहा, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है भला? राजकुमारी थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली, तुम सिंघल द्वीप पहुंचोगे कैसे? राजकुमार ने कहा, क्यों, उसमें क्या दिक्कत है? राजकुमारी हंसने लगी। हंसते हंसते बोली, तुम बड़े भोले हो। अरे, वहां पहुंचना हंसी खेल नहीं है। रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ती है। सिंघल द्वीप का रास्ता वहीं से होकर जाता है,
कोई भी तुम्हें अपने जादू में फंसा लेगा। तब राजकुमार ने हैरान होकर कहा। राजकुमारी बोली, तुम उसकी चिंता न करो, ये लो मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ, तुम जब तक इसे अपनी उंगली में पहने रहोगे तुम पर किसी का जादू असर नहीं करेगा। इतना कहकर राजकुमारी ने एक अंगूठी उसकी ओर बढ़ा दी। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी बोली, इसमें एहसान की क्या बात है, इंसान को इंसान की मदद करनी ही चाहिए। राजकुमारी एक अंगूठी उसे दे देती है। तुम्हारी यात्रा सफल हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो। राजकुमार ने उसका आभार मानते हुए सिर झुका दिया। रात बीतने वाली थी, राजकुमारी उठी और अपने उड़न खटोले पर बैठकर चली गई। परियों ने सारा सामान समेटा और वे भी अपनी अपनी दिशा को प्रस्थान कर गईं। राजकुमारी से विदा होकर राजकुमार डगमगाते पैरों से पर खुश खुश वहां आया, जहां वजीर का लड़का बड़ी व्यग्रता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत लौट आया देखकर वजीर के लड़के की जान में जान आई। वो पेड़ पर से उतरा। राजकुमार ने उसे आप बीती सुनाकर कहा, देखो कभी कभी बुराई में से भी भलाई निकल कर आती है। फिर दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किए और उन पर सवार होकर चल पड़े। जैसे ही फाटक पर आए कि वो फाटक खुल गया, दोनों बाहर हो गए। इस कहानी के रचनाकार थे श्री यशपाल जैन। उनका जन्म 1 सितंबर 1912 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ में हुआ था। आपने सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन के मंत्री के रूप में हिंदी की बड़ी सेवा की थी। उपन्यास, कहानी संग्रह, आत्मकथा, नाटक, कविता, यात्रा वृत्तांत का संग्रह, प्रकाशन व संपादन भी किया। यशपाल जैन ने अनेक कहानियां लिखी। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं सारिका पंकज उनकी इस कहानी के साथ आपसे रूबरू थी। कहानियों के इस सेक्शन में आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं बताएंगे तो हमें सुविधा रहेगी और आपकी पसंद से हम आपको कहानियां सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।